हाय गाइस, वेलकम टू सर्कल ट्रेडर्स। और सर्कल ट्रेडर्स के अंदर मैं खुशी सर्कल आपके साथ मंडे का प्रिडिक्शन कैसे रह सकता है मार्केट। हमने कॉल साइड में बैठना है या पुट साइड में बैठना है, या आपके पास अभी कॉल ऑप्शन लेके चल रहे हैं या पुट ऑप्शन लेके चल रहे हैं, इन तमाम चीजों को हम डिस्कस करेंगे। जो पुट ऑप्शन पे आपको फायदा मिलेगा या कॉल ऑप्शन पे फायदा मिलेगा, पूरा वीडियो को ध्यान से देखने की जरूरत है। ये नहीं कि मैं 1 मिनट देखा, स्किप किया और चले गए। अगर दोस्त आप मुझे मॉर्निंग सेशन पे फॉलो नहीं किए हैं तो बहुत पछताए होंगे, ठीक है। मैं मॉर्निंग पे 8:40 में मैं आपके साथ लाइव में आता है। ये जो एक लिंक आ रहा होगा ऊपर, आपको इस लिंक को क्लिक कीजिए, आपको मॉर्निंग का वीडियो मिल जाएगा कि किस तरीके से मैं आज पूरा पिन पॉइंट प्रिडिक्शन आपको दिया था। इसी तरीके से हर रोज मैं प्रिडिक्शन देता हूँ, ठीक है। कल भी जब मैं ये प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया था तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने 17,300 एक्टिविटी लेवल बताया था। अब देखो, रात को ग्लोबल मार्केट का ह्यूज डाउनफॉल की वजह से मार्केट को कर दिया गैप डाउन। मैं हमेशा बोलता हूं जो टेक्निकल एंड न्यूज दोनों दुश्मन है आपस में, ठीक है। तो टेक्निकली तौर पे मार्केट बिल्कुल बुलिश था, कोई बियरिश वाला सिंबल ही नहीं था, लेकिन ग्लोबल मार्केट से हमारे को बहुत अच्छा खासा गिरावट आया, जिसके कारण एक्सिस निफ्टी 200 पॉइंट का गिरा और इंडियन मार्केट को भी 180 पॉइंट को डाउन करा दिया। बट आज मॉर्निंग पे हमने क्या बताया था कि 17,200 से 250 के करीब मार्केट अगर ओपन होता है तो यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बार 300 के करीब जाएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर डाउन आएगा। मॉर्निंग सेशन पे हम सी पे रहेंगे, जब रेजिस्टेंस फेस करेगा तो हम पी पे रहेंगे। पूरा यही बात बताए थे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, आप लिंक को अगेन देखिए। तो गाइस, अब हम देखेंगे मंडे के लिए क्या सिनेरियोस बन रहा है, ठीक है। मंडे का सिनेरियोस, फर्स्ट ऑफ ऑल 17,200 आपको बहुत अट्रैक्टिव लेवल है कि इससे नीचे अगर मार्केट चला जाता है तो आपको 17,000 की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, 17,114। अगर इससे ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो अगेन आपको 17,280 तक जाएगा, इसे ब्रेक करेगा तो 380। देखिए ये फार्मूला मैं, आप चाहे तो आपको ये फार्मूला भी दूंगा जो किस तरीके से नेक्स्ट डे का प्रिडिक्शन किया जाता है, कौन सी रेजिस्टेंस या कौन सी सपोर्ट होगा, और ऐसे ऐसे बहुत सारे फार्मूला हमारे ऑनलाइन क्लास के अंदर समझाया जाता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल को नोट कर लीजिए। अब मैं चलूंगा टेक्निकल के ऊपर, जो टेक्निकल के ऊपर हुआ क्या। तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक फुल्ली बियरिश कैंडल बनता हुआ आपको दिखाई दिया है, इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि मार्केट अगेन डाउन। ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी के लिए 36,000 लेवल एक बहुत मेजर और इम्पोर्टेंट लेवल था। अगर इसे मार्केट ब्रेक कर दिया, जैसे आज क्लोजिंग इससे नीचे हुआ है ना, मंडे के सेशन में इससे नीचे आ गया है, तो आने वाले दिन पे आपको 1000 पॉइंट का डाउनसाइड मिलेगा। जैसे मैं 2 दिन पहले आपको थंबनेल दिया था यूट्यूब वीडियो के अंदर, तो हमारे को इस लेवल को ब्रेक होना है। अगर इस लेवल को ब्रेक हुआ तभी आपको डाउनसाइड में 1000 पॉइंट मिलेगा। ध्यान दीजिएगा मंडे के सेशन पे 5 मिनट इससे नीचे, 10 मिनट इससे नीचे चलना है, उस कैंडल का लो कर नीचे जाना है। आया बात समझ में? अब सपोर्ट लेने के लिए, बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 36,000 से ऊपर सस्टेनेबल होना पड़ेगा और यहाँ से फिर से एक पॉजिटिव मोड आ जाना पड़ेगा। अब वो क्या रहा है, बैंक निफ्टी क्यों इतना डाउन है, निफ्टी पॉजिटिव था बैंक निफ्टी डाउन है, मैंने आज मॉर्निंग सेशन पे ही आपको ये चीज़ समझा दिया था। अच्छा, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा टाइम और बिता देता है ताकि बैंक निफ्टी को हम यहाँ पे क्लियर समझा देते हैं। अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन अगर है और 36,000 से नीचे ओपन हो रहा है, देखो अगर आपने लेके चल दिए हैं तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते आप, लेकिन सर्कल ट्रेडर्स का हर एक स्टूडेंट, हर एक फ्लोर ये जानते हैं कि मंडे के लिए हमें कोई पोजीशन नहीं लेके चलना है। क्यों नहीं लेके चलना है भैया, भगवान ने जिंदगी दिया है हंसी खुशी से बिताने का, ठीक है। एक दिन लॉस हो गया कोई बात नहीं, जितना लॉस हो गया इसको स्क्वायर अप करके मंडे के लिए तैयार हो जाओ, अच्छा से तैयार हो जाओ। लेकिन आप लेके चलोगे ना, पता नहीं आप कितने वीडियोज देख लिए होंगे, मेरा वीडियो को शामिल करके पता नहीं कितने वीडियो देखे होंगे, और ये सबसे पहले वही लोग देखे होंगे जिन लोग कॉल या पुट ऑप्शन लेके चल रहे हैं। जिसने नहीं लिया है वो सीधा जाके संडे को शाम को देखेंगे, हाँ देखता हूँ क्या हुआ है, या मंडे को सुबह जाकर देखेंगे, देखता हूँ क्या होता है, जो होगा हमने अपना सिनारिस पे, अपना सिचुएशन पे ट्रेडिंग करेंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? तो इसलिए अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर मेरा बात अच्छा लगता है तो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, अगर मेरा बात अच्छा लगता है तभी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। मंडे के लिए कोई पोजीशन कैरी मत कीजिएगा, अगर आप एक भी दिन मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये सलाह मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है। तो मंडे के लिए किस लेवल के ऊपर अपना बाइंग साइड जाना है, कितने पॉइंट का जाना है, सबसे पहला 36,000 से ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बनता है, 1-5 मिनट तो आपको वेट करना ही करना है। 5 मिनट का हाई एंड लो को मार्किंग कर लेना मंडे को, इसका हाई को ब्रेक होगा तो हमारा बाइंग साइड जाएंगे, इसका लो को ब्रेक होगा तो सेल साइड जाएंगे। सीधी सी फॉर्मूला है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं। अब मैं इसके ऊपर मंडे सुबह 8:45 में आपको जरूर दूसरा गाइडनेस वीडियो जरूर दूंगा कि कौन सी कॉल कौन सी पुट आपको
और वॉच लिस्ट में रखना है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ निफ्टी के ऊपर। निफ्टी के ऊपर ऑन डे का चार्ट में जो दिखाई दे रहा है वो भी आपको बैंक निफ्टी को इतना गिरने के बजाय से निफ्टी थोड़ी खराब हो पाएगा। ओके, तो निफ्टी के ऊपर भी बियरिशनेस दिखाई दिया है। रिलायंस कंटिन्यू भाग रहा था, रिलायंस के ऊपर सुस्तनेस आ रहा है। आईटी सेक्टर ऑलरेडी ओवर सोल्ड पोजीशन में चल रहा है, एक दो दिन इसने सपोर्ट दे रहा था। आज एशियल टेक का रिजल्ट आया है, अच्छा है, फिर भी एशियल टेक उतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मार्केट ही कंटिन्यू डाउन साइड जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी का जो रेंज है 17,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। इससे नीचे फिर से अगर मार्केट ओपन होगा तो 17,000 मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि 17,000 एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। 17,000 इस ड्यूरेशन के अंदर एक मेजर लेवल है, अगर इसे ब्रेक करेगा तो मार्केट और ज़्यादा राउंड जा सकता है। 17,500 एक ब्रॉड रेंज है जिसके अंदर मार्केट बार बार घूम रहा है, तो आपको भी इसी के अंदर मार्केट को घुमाना चाहिए और आप भी इसी के अंदर प्रॉफिट लेना चाहिए। देखो ग्लोबल मार्केट से कंटिन्यू आपको इस वोलेटाइल सिचुएशन मिल रहा है, तो ऐसे वोलेटाइल टाइम पे हमारे को ज़्यादा ओवरनाइट नहीं करना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा ओवरनाइट हमें नहीं करना है। इंटरडे के अंदर अगर हमें लेवल समझ में आ रहा है तो हमें ट्रेड करना है, नहीं समझ में आ रहा है नहीं ट्रेड करना है। ठीक है, आप अगर कंटिन्यू पिन पॉइंट नहीं समझ पा रहे, बट हमने टेलीग्राम पे आपको कंटिन्यू पिन पॉइंट वाला टारगेट दे रहे, यहाँ पे आपको कंटिन्यू कॉल दिया था, बहुत बढ़िया कॉल दिया था, बहुत बढ़िया कॉल दिया था, इससे अच्छा कॉल कहाँ पे देगा? फ्री टेलीग्राम चैनल पे बताइए। आप नहीं ज्वाइन हुए तो ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, इन सब के साथ और मैं यहाँ पे वॉइस मैसेज के साथ गाइडनेस करता हूँ, कंटिन्यू वॉइस मैसेज के साथ आपको गाइडनेस करता हूँ, कौन सी कॉल पे जाना है, कौन सी पुट में जाना है। हर एक बार जब मैं कॉल साइड बोला हूँ तो कॉल साइड गया है, पुट साइड बोला हूँ तो पुट साइड गया है मार्केट, लेकिन वहाँ पे आपको समझदारी है कि कितनी पॉइंट लेके आप एग्जिट हो जाओगे। मैं टारगेट भी देता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं टारगेट नहीं देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे थे सर्फ डाउनफॉल के बाद पॉजिटिवनेस, एंड पॉजिटिवनेस में एक जगह पर रुकने के बाद फिर से एक डाउनफॉल। यहाँ पे आपको क्लियर, अगर टेक्निकल आप फॉलो करते होंगे, कोई इंडिकेटर नहीं लगाते होंगे, तो भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या सिनेरियोस यहाँ पे बन रहा है। जब हमने निफ्टी या बैंक निफ्टी ट्रेड करना है तो 5 मिनट के चार्ट के साथ ट्रेड करना है, और 5 मिनट में आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि कहाँ पे हम मुझे कोई पोजिशन को बाइंग करना चाहिए। ओके, समझदार आदमी को इशारा काफी है, हमेशा बोलता हूँ ना। ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक हुआ, ह्यूज डाउनफॉल, मॉर्निंग का लो, इसे ब्रेक हुआ, ह्यूज डाउनफॉल, पॉइंट पॉइंट पर प्रॉफिट मिलेगा, पॉइंट पॉइंट पर प्रॉफिट मिलेगा। जस्ट समझने का दे रहा है, समझ लीजिए, मार्केट लाइफ टाइम चलते रहेगा, हम रहेंगे या हम रहें या ना रहे, मार्केट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगाइए मार्केट को सीखने के लिए, 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना बीत जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऑप्शन चेन, देखो अभी मैं अगर ऑप्शन चेन के पीछे टाइम वेस्ट करूंगा तो बेकार की बात होगा। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्लियर बताता हूँ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मंडे के सेशन पे जो भी होगा वो ग्लोबल मार्केट बताएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी का जो सिनेरियोस है क्या है, 36,000 जो है ये एक अट्रैक्टिव लेवल बन गया है। ऑप्शन चेन भी आपको यही कह रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। क्या होता है यार, सर पता नहीं क्या क्या चीज है, हमें तो समझ में नहीं आता है। हमें तो बस इतना पता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल ले लूं, नीचे जा रहा है तो पुट ले लूं। दोस्त ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, मार्केट में कमाना है तो कुछ अपना खोपड़ी में भी रखना है, बुरा मत मानिएगा दोस्त, प्लीज 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 बुरा मत मानिएगा। कभी कभी मैं ऐसे बोल देता हूँ तो जस्ट इसलिए बोलता हूँ कि आप ये मेरा ही वीडियो नहीं, और वीडियो देखो, देखे एक एक चीज को आप नॉलेज में लाओ, पेपर ट्रेड करो और जिंदगी के एक सक्सेस रास्ते में लेके आ जाओ। ओके, तो निफ्टी के लिए 17,200 एक मेजर सपोर्ट पॉइंट अभी भी दिखा रहा है आपको, बट सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, ये ध्यान दीजिएगा, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। और बैंक निफ्टी में एक थोड़ी सी पॉजिटिव पॉइंट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 17,000 36,500 पे ऊपर 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, एक थोड़ी सी पॉजिटिव बात है, बाकी सारे नेगेटिव बात है। ठीक है, कैंडल स्टिक से देखे, HDFC बैंक से देखे, सब कुछ देखे तो नेगेटिव बात है। तो हमें मेनली कहाँ पे ध्यान देना है, ग्लोबल मार्केट क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट SDF निफ्टी को कहाँ पे छोड़ रहा है, इंडियन मार्केट में क्या न्यूज़ आ रहा है। 2 दिन का मार्केट की छुट्टी है तो छुट्टी आराम से बिताइए, और संडे को लाइव सेशन में मेरे साथ आ जाइए दोपहर को 1 बजे, मंडे को 8:45 में मेरे साथ लाइव में प्री ओपन मार्केट का तैयारी के साथ मंडे को काम शुरू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। ये वीडियोस अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाने में मत भूलिए, अब सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।